हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूँ हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट से एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जिन कैंडिडेट ने 2019 में काउंसलिंग करवाई थी और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 32,000, प्राइवेट कॉलेज के लिए 2,00,000 रुपये और बीडीएस के लिए 1,00,000 रुपये की डीडी जमा करवाई थी, उसके रिफंड की लास्ट डेट 30 नवम्बर 2019 है। तो इस वीडियो में हम एमसीसी के उन कैंडिडेट की भी बात करेंगे जिनको अभी रिफंड नहीं मिला है, और साथ ही साथ यह भी चर्चा करेंगे कि आयुष व बाकी स्टेट की सिक्योरिटी रिफंड कब तक मिलेगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यूपी स्टेट के रिफंड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हम upneet.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करते हैं, या नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट फॉर बैंक ड्राफ्ट ऑफ नीट यूजी 2019 फॉर अलॉटेड अनअलॉटेड कैंडिडेट्स के लिए लिखा गया है, तो इसमें ये नोटिस डाउनलोड करके देखते हैं। तो इसमें लिखा है नीट यूजी 2019 के अंतर्गत ऐसे अनआवंटित अभ्यर्थी जिनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी, यह अपना सिक्योरिटी बैंक ड्राफ्ट 31/10/2019 तक संबंधित नोडल सेंटर से प्राप्त किए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 30/9/2019 के द्वारा सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी। चूंकि उक्त अवधि समाप्त हो रही है या हो गई है, ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/11/2019 तक बढ़ाई करते हुए कार्यालय द्वारा पूर्व प्रदर्शित सूचना दिनांक 2/9/2019 में निहित निर्देशों अभिलेख प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप 30 नवंबर 2019 तक जहां आपने जिस नोडल सेंटर पर जहां डीडी जमा करवाई है वहां से आप ये डीडी ले सकते हैं। डीडी लेने के लिए आप स्वयं जा सकते हैं। स्वयं जाने के लिए आपको जो आपने यूपी की वेबसाइट पर फॉर्म भरा था या उसकी रिसिप्ट लेके जाना है, उसके बाद में अपने एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। अगर आप नहीं जा सकते, आपके पेरेंट्स या ब्रदर जा रहे हैं, तो उनको अपना आईडी लेके जाना है। साथ में आप एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि ये मेरे पिताजी हैं या ब्रदर हैं, तो इनको ये डीडी दे दी जाए, मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की आपने एक एप्लीकेशन लिख के साइन करके देनी है, साथ में उनका आईडी प्रूफ लेके जाना है जो डीडी कलेक्ट कर रहे हैं, और आपका भी एक आईडी प्रूफ उसके साथ में लगाना है फोटोकॉपी में। तो इस प्रकार से आप ये डीडी ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये पिछली जो डेट थी वो 31 अक्टूबर 2019 थी, इसको बढ़ाकर 30 तारीख कर दी गई है। तो 30 नवंबर 2019 से पहले पहले आप ये नोडल सेंटर से डीडी कलेक्ट कर लें। अगर जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गई है वो अपने कॉलेज से डीडी प्राप्त करें, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, जिन्होंने जहाँ डीडी जमा करवाया था वहाँ से अपना डीडी प्राप्त कर लें। अब बात करें हम आयुष के रिफंड की। तो जिन कैंडिडेट ने आयुष के लिए काउंसलिंग के लिए रिफंड डिपॉजिट किया था उनका रिफंड भी जल्दी ही मिल जाएगा। कुछ दिन पहले इनकी वेबसाइट पर ये लिखा रहा था कि ये रिफंड प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो अभी इनकी साइट अंडर मेंटेनेंस दिखा रही है, तो ये अभी जल्दी ही इसमें लिस्ट डाल दी जाएगी जिन जिन स्टूडेंट का इन्होंने रिफंड कर दिया है। इसके बाद में हम बात करें एमसीसी के रिफंड की। तो एमसीसी के रिफंड काफ़ी स्टूडेंट को मिल चुके हैं। जिन स्टूडेंट का रिफंड नहीं मिला है, अभी कुछ ही दिनों बाद में उनकी एक लिस्ट डाली जाएगी जिनको रिफंड नहीं मिला है। उन स्टूडेंट को रिफंड नहीं मिला है जिनका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है, या फिर उनके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हीं का सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिला है, बाकी स्टूडेंट का डाल दिया गया है। अगर आपका भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिला है तो आप financemcc2019@lifecareHLL.com पर मेल कर सकते हैं। आप इस पर मेल कर दें, कुछ ही दिनों बाद में लिस्ट डाली जाएगी, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाएंगे, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप बात करके अपने सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बाकी स्टेट के रिफंड के बारे में। तो बाकी रिफंड कुछ स्टेट का स्टार्ट हो चुका है, जैसे राजस्थान का 10 तारीख को उन्होंने मेल में ज़रूरी डिटेल्स मांगी थी,
अभी 30 नवंबर से पहले पहले वो रिफंड आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बाकी स्टेट में भी प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाला है, जिस स्टेट में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये अगर पिछली साल का देखें तो पिछली साल 15 दिसंबर तक सभी स्टूडेंट को इस प्रकार का रिफंड मिल गया था, तो इस बार भी इतनी तारीख तक मिलने की संभावना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी रिफंड के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।